गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट न्यू टॉपिक मिनरल्स। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। मिनरल्स हमारे बॉडी के द्वारा जरूरत है, आवश्यकता है, इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत कम मात्रा में उसको जरूरत पड़ती है। जस्ट लाइक विटामिन्स, विटामिन्स की तरह मिनरल्स हेल्प योर बॉडी टू ग्रो। मिनरल्स हमें सहायता करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप एंड स्टे हेल्दी, उसको विकसित करने के लिए और स्टे हमें स्वस्थ रखने के लिए। द बॉडी यूजेज मिनरल्स टू परफॉर्म मेनी डिफरेंट फंक्शंस। हमारी बॉडी मिनरल्स को यूज़ करती है अलग अलग फंक्शंस को, काम को परफॉर्म करने के लिए। From building strong bones, हमारी जो bones को है strong बनाने का काम करती है। To transmitting nerve impulses, और जो हमारी nerve system है उसको भी transmit करने का काम करते हैं minerals। Some minerals are even used to make hormones, और कुछ minerals ऐसे हैं जो hormones बनाने के लिए use आते हैं। और मेंटेन ए नॉर्मल हार्ट बीट, जो हमारी हार्ट बीट होती है उसको भी नॉर्मल रखते हैं, नॉर्मल मेंटेन करने का काम करते हैं। द नंबर ऑफ मिनरल्स दैट आर फाउंड इन आवर बॉडी, जो मिनरल्स की संख्या है जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, आर नियरली 24, जिनकी संख्या 24 होती है। बट द मेन मिनरल्स आर, लेकिन जो मुख्य मिनरल्स हैं वो क्या क्या हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, पोटेशियम एसेट्रा, ये सारे जो मिनरल्स हैं वो मुख्य मिनरल्स हैं, मेन मिनरल्स हैं। इस टेबल में हम देख सकते हैं मिनरल्स एंड देयर सोर्सेज, तो मिनरल्स के क्या क्या सोर्सेज हैं उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। मिनरल्स और सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज है जिस जहाँ से हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, सच एज मिल्क, मिल्क से मिलता है कैल्शियम, चीज़, योगर्ट, चीज़ जो हमारा पनीर होता है उससे मिलता है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल, जिनमें ग्रीन हरी पत्तियों वाली सब्जियाँ, सच एज ब्रोकली, ऑरेंज जूस, इन सब से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। आयरन, आयरन कहाँ कहाँ से मिलता है, मीट, बीफ, एग्स, बीन्स, ड्राई फ्रूट, बेक पोटैटो, वीट एंड ओट्स, इन सब से हमें आयरन मिलता है। पोटेशियम बनाना, टोमेटोज, पोटैटोज, सिट्रस फ्रूट्स, लो फैट मिल्क एंड योगर्ट, बीन्स एंड लेंटिल्स, इन सब से हमें पोटेशियम मिनरल मिलता है। जिंक बीफ, पोर्क, डार्क मीट, नट्स, बीन्स, ये सब हमें जिंक मिनरल मिलता है इन सब से। आयोडीन वेजिटेबल से हमें आयोडीन मिलता है, सी फूड एंड आयोडाइज सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं, सॉल्ट कॉमन सॉल्ट भी इसे कहते हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, मिल्क से, मीट, एग, फिश, पल्सेस, दालें, वेजिटेबल, सब्जियाँ, यहाँ यहाँ से हमें फॉस्फोरस मिनरल मिलता है। अब बेनिफिट्स क्या क्या हैं मिनरल्स के, बेनिफिट्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के क्या क्या बेनिफिट हैं उसको हम देखेंगे। कैल्शियम, कैल्शियम क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी में। ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जब हमारे कभी चोट लग जाती है तो वहाँ पर खून बहता है, खून को बहने से रोकने का जो काम है वो कैल्शियम करता है और उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। स्ट्रेंथिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये बोन्स हड्डियों को और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, मजबूत बनाता है। मसल कॉन्ट्रेक्शन, जो हमारे मसल्स होते हैं उनको भी मजबूत करने का काम कैल्शियम करता है, ये मिनरल है।
फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या काम करता है? स्ट्रेंथिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये भी दांतों और हड्डियों को मजबूत रखता है, मजबूत करने का काम करता है। एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। एटीपी एक तरह की एनर्जी होती है जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान उसमें एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। आयरन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। तो जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन को बनाता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जिसके कारण ही हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। आयोडीन फॉर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है उसको मेंटेन करके रखता है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसको प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए हमें आयोडीन जरूरी है। सोडियम टू कैरी नर्व इम्पल्सेस, जो हमारे एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन जाती है बॉडी के अंदर, उसको नर्व इम्पल्सेस कहा जाता है, वो सोडियम हमारा काम करता है। टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ फ्लूड्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूड का वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करने का काम सोडियम करता है। पोटेशियम टू कैरी नर्व इम्पल्सेस, ये भी नर्व इम्पल्सेस को ले जाने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, नई सेल को बनाने का काम वो पोटेशियम करता है। नई सेल जो भी बनती है उनको बनाने का काम पोटेशियम करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर। वाटर सब जानते हैं पानी है नॉर्मल। जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू नीड टू सर्वाइव, क्या हमें आवश्यकता है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। फूड एयर, हाउएवर वाटर इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर सर्वाइवल। क्या फूड, हवा या वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। वाटर इज ऑफ मेजर इम्पोर्टेंस, वाटर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं टू ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स के लिए। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में अप टू 90% ऑफ देयर बॉडी वेट कम्स फ्रॉम वाटर। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके कुल वेट का 90% जो वेट होता है वो वाटर का होता है। अप टू 60% ऑफ द ह्यूमन एडल्ट बॉडी इज वाटर। हमारी 60% जो ह्यूमन एडल्ट बॉडी है वो भी पानी से बनी हुई होती है या उसके अंदर पानी होता है। अकॉर्डिंग टू HH मिशेल, इनके अनुसार द ब्रेन एंड हार्ट आर कंपोज्ड ऑफ 73 वाटर। तो हमारे ब्रेन और हार्ट के अंदर 73% वाटर होता है। एंड द लंग्स आर अबाउट 83% वाटर, और हमारे लंग्स में फेफड़ों में 83% वाटर होता है। द स्किन कंटेन्स 64% वाटर, स्किन में 64% वाटर होता है। मसल्स एंड किडनीज आर 79% वाटरी, इनमें 79% वाटर होता है। एंड इवन द बोन्स आर 31% वाटरी, जो हमारी हड्डियाँ होती है उनमें भी 31% वाटर होता है। वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है, इसी से वाटर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। ईच डे ह्यूमंस मस्ट कंज्यूम, प्रत्येक दिन सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू सर्वाइव। हमें सर्वाइव करने के लिए सर्टेन कुछ जो है अमाउंट फिक्स किया हुआ है उसको हमें लेना ही चाहिए, उससे ज़्यादा ही हमें पानी पीना चाहिए प्रत्येक दिन। ऑफ कोर्स दिस वरीज अकॉर्डिंग टू एज एंड जेंडर, ये एज और जेंडर के हिसाब से चेंज हो सकता है उसके अनुसार, जैसे मेल और फीमेल में, बच्चे जवान और बूढ़े में, सब में चेंज हो सकता है। एंड ऑल्सो बाय वेयर समवन लाइव्स, और वो कहाँ पर रहते हैं इससे भी वो चेंज हो सकता है कि कहाँ पर वो रहते हैं। जनरली एन एडल्ट
मेल नीड्स अबाउट 3 लीटर्स पर डे। एक आदमी को जो एडल्ट मेल है उसको 3 लीटर पर डे पानी की ज़रूरत पड़ती है, वाइल एन एडल्ट फीमेल नीड्स अबाउट 2.2 लीटर वाटर पर डे। जबकि कोई फीमेल है तो उसको 2.2 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है पूरे दिन में। ऑल ऑफ द वाटर ए पर्सन नीड्स डज नॉट हैव टू कम फ्रॉम ड्रिंकिंग लिक्विड्स। ऑल ऑफ द वाटर जो सारा पानी है जो पर्सन को ज़रूरत पड़ती है, हैव नॉट जो ड्रिंकिंग लिक्विड्स हम पीते हैं वहाँ से नहीं आता। ए सम ऑफ दिस वाटर इज कंटेंट इन द फूड वीट। जो हम खाना खाते हैं उसमें भी कुछ पानी की जरूरत पानी होता है, इसलिए हमारी जो ज़रूरत है पूरी वो वहाँ से भी पूरी हो जाती है और हम जो पानी पीते हैं वो दोनों मिलकर हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ वाटर। वाटर क्या क्या काम करता है, क्या क्या फंक्शन करता है। ए वाइटल न्यूट्रिएंट फॉर द लाइफ ऑफ एवरी सेल। प्रत्येक सेल की लाइफ के लिए, जीवन के लिए उसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, आवश्यकता है। इट एक्ट्स फर्स्ट एज बिल्डिंग मटेरियल। ये बिल्डिंग मटेरियल की तरह हमारे शरीर में काम करता है वाटर, पानी। इट रेगुलेट्स आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ये हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को सही रखता है, मेंटेन करके रखता है। किसके किसके द्वारा? स्वेटिंग, पसीने के द्वारा, और रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा ये काम करता है। द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स दैट आवर बॉडी यूज एज फूड आर मेटाबोलाइज एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इन द ब्लड स्ट्रीम। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो हमारी बॉडी में फूड से मिलते हैं उनका मेटाबोलाइज करने का काम और ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड के अंदर वो वाटर के द्वारा ही किया जाता है। इट असिस्ट इन फ्लशिंग वेस्ट मेनली थ्रू यूरिनेशन। ये हमारे टॉयलेट के थ्रू बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालने का भी काम करता है पानी, वाटर। एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर फॉर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्यूटस। ये अगर कभी कभी शॉक लग जाता है तो हमारे ब्रेन में शॉक लग गया या स्पाइनल कॉर्ड या फ्यूटस में, तो उसको भी शॉक को रोकने का काम ये करता है पानी। लुब्रिकेट्स जॉइंट्स। जो जॉइंट होते हैं हमारे, जैसे हाथ का जॉइंट है, पैर का जॉइंट है, उनको लुब्रिकेशन की तरह भी पानी, वाटर काम करता है। थैंक यू।